इरशाद खानम, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के समय में सरकार द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर बाकी समस्त बाज़ार बंद रहेगा। कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। मकान मालिक किराएदारों से ना तो किराया वसूली के लिए ज़बरदस्ती करेंगे और ना ही उनको इस समय मकान खाली करवाएंगे। अगर लोग इन आदेशों की अवहेलना करते हैं, मकान मालिक मकान खाली करवाने के लिए या किराए के लिए दबाव बनाता है, तो उसके ऊपर FIR दर्ज होगी। दुकानें खुली रखी जाती हैं तो उनको सील कर दिया जाएगा। जो लोग बिना कारण के बाहर घूमते नजर आएं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये सारी चीज़ें धारा 188 के अंतर्गत होंगी। जितनी भी कार्रवाई होगी वो धारा 188 के अंतर्गत होगी। आइए, अब मैं आपको धारा 188 के बारे में बताती हूँ और साथ ही ये बताऊँगी कि उसमें सजा का क्या प्रावधान है। 88 IPC के अंतर्गत दी गई है। इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश लोक सेवक द्वारा जारी किया गया है और कोई व्यक्ति उस आदेश की अवहेलना करता है तो उसको इस धारा के अंतर्गत पनिशमेंट मिलेगी। धारा 188 का उल्लंघन करने पर क्या सज़ा मिल सकती है? यदि कोई व्यक्ति धारा 188 द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करता है तो उसको एक माह की सज़ा और 200 रुपये जुर्माना होगा। और ये उस कंडीशन में होगा जब उसकी ऐसे अवहेलना करने से जो व्यक्ति कानून व्यवस्था में लगे हुए हैं उनको अगर किसी प्रकार की कोई क्षति होती है या कोई नुकसान होता है तो पनिशमेंट 1 माह और 200 रुपये जुर्माना। मानव जीवन और स्वास्थ्य को अगर संकट डालने वाली कोई कंडीशन उत्पन्न करते हैं व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करके, जैसे कि दंगे भड़क जाते हों या ऐसी से संबंधित कोई और घटना घट जाती हो जिससे कि मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न होता हो, तो वहाँ उनको 6 माह की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना, ये दो तरह की उनको पनिशमेंट मिलेगी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि ये अपराध करने में व्यक्ति की मंशा कोई मायने नहीं रखेगी कि व्यक्ति ने ये जो आदेश की अवहेलना करी है ये जानबूझकर करी है या अनजाने में हुई है। यहाँ पर मंशा कोई मायने नहीं रखेगी। अगर आपने अवहेलना की है तो आपको दंड का भागीदार होना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज हमने धारा 188 के बारे में पढ़ा है। आपको वीडियो पसंद आते हैं, लाइक कमेंट्स शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।